गुरुग्राम के मानेसर इलाके में गांव नवोदा में क्रिकेट खेल के दौरान हुए विवाद में आधा दर्जन युवकों ने राजेश नाम के युवक पर फायरिंग की और इसमें हमले के दौरान एक गोली लग गई, जिसके बाद घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। गुरुग्राम के मानेसर के गांव नवोदा गांव में क्रिकेट मैच के दौरान हुए विवाद पड़ोस गांव के कुछ युवकों ने राजेश नाम के युवक पर गोली मार दी। बताया जा रहा है कि आरोपी युवकों ने मौके पर कई फायर किए और उसके बाद वहां से फरार हो गए। वहीं इस हमले में राजेश को पेट में गोली लगी, जिसके बाद राजेश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां उसका ऑपरेशन किया गया है, लेकिन अभी भी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं इस हमले में एक युवक और घायल हो गया, जिसको उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। फायरिंग की, ठीक है, और वो ऐसे ही गांव में दो तीन बार पहले भी आ चुके हैं, फायरिंग करते रहते हैं, रेडी वालों से हफ्ता लेना, कभी किसी का गल्ला उठा के ले जाना या दुकान बंद करवाना, ये मारपीट खुसूट करते रहते हैं। चार लोग थे, चारों के पास हथियार था और उन्होंने पांच छह फायरिंग भी की थी। राजेश को कितनी गोली लगी है और अभी कैसी हालत? राजेश को गोली लगी है, अभी हालत सीरियस है उसकी, ऑपरेशन थिएटर में है, आईसीयू में है वो, ठीक है। दूसरा जी, क्या विवाद हुआ था, कुछ पता लगा? नहीं, विवाद तो ऐसा कुछ नहीं हुआ जी, हमारे तो भाई यार मैच खेल रहे थे, ऐसी कोई बात ही नहीं अभी विवाद की। तो प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि आधा दर्जन के करीब युवक जो पास के नखरडोला गांव के हैं, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें राजेश को गोली लगी और कई युवक बाल बाल बचे। उसके बाद वो मौके से फरार हो गए। सभी युवकों की पहचान हो गई है। ये सभी युवक स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर आए थे और इसके अलावा एक व्यक्ति स्कूटी पर था, जिसे मौके से ही पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस अभी इस जांच में जुटी है कि आखिरकार युवकों के बीच किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था। वहीं सभी आरोपियों की पहचान भी कर ली गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये लोग एक स्कॉर्पियो गाड़ी आई है और स्कॉर्पियो के साथ एक दो बंदे स्कूटी पे बैठ के आए थे और दो और आए उस पे बाइक पे बैठ के, एक स्प्लेंडर बाइक ले रहे थे और एक गाड़ी और थी उन लोगों के पास, दो गाड़ी थी, गाड़ी में चार बंदे बैठे थे, दो बंदे उतरे हैं वैसे ही हमारे से नॉर्मली बात करने लग रहे थे उधर पे, फिर अपने आप दो बंदे और उतर के आए, उन दोनों के पास भी हथियार थे, फिर दोनों हथियार लेकर आए और फायरिंग करनी शुरू कर दी। पहले हवाई फायर किया, फिर उसके बाद हवाई फायर करने से जैसे कुछ लोग भाग गए और जो दो चार लोग उधर से भागने नहीं पाए थे उनमें से एक मेरा बड़ा भाई है राजेश यादव, उसको गोली लग गई इधर पेट में, फिर मेरी तरफ फायर किया है और मेरे मतलब मैं नीचे बैठ के फायर करते टाइम तो मेरे ऊपर से गोली गई, उन लोगों ने पाँच छः फायर वहाँ पे लगातार किया। फिर दूसरा बंदा जो ड्राइवर था गाड़ी का वो भी उतर के मतलब कि जैसे अपनी गन लेके आया हमारी तरफ भागने लगा गन लेके, तो एक भाई ने पत्थर फेंका तो उसकी गाड़ी के शीशे पर लगाए, शीशे पर लगते ही वो मतलब अपनी गाड़ी लेके भाग गए उधर से। क्या नाम था, कुछ पहचान आपने की? गाड़ी की पहचान है, गाड़ी का नंबर HR 26, बीच का मेरे को याद नहीं है, CR 0026, ये नंबर था, ब्लैक रंग की स्कॉर्पियो थी।